थोड़ा सा सही है, आप नहीं चलो, आप चलो यार, बना के बना तो नहीं यार। मैम किस लिए आज आपको यहाँ पे बुलाया था और हिरासत में लिया गया था आपको? जी भैया, किस केस में आपको मिला गया था भैया? न्यूज वन इंडिया आ गया था, जरा आवाज आएगी उसमें। अच्छा, 2007 से केस चल रहा था, आप लगातार सूचना नहीं थी कोई? अच्छा, अभी तक पेश क्यों नहीं हुए थे? कोई सूचना नहीं, समन नहीं, कोई नोटिस नहीं भैया, न्यूज वन इंडिया की। अच्छा, अब क्या रहा? माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई। क्या 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 शर्तें थी, किन शर्तों पर दी गई जमानत? चल गया है, माननीय न्यायालय के द्वारा जमानत दे दी गई है और ये पाया गया। आपको रविंदर जी, तबस्सुम जी के साथ आए हैं यहाँ पे, क्या था पूरा मामला? ये 2007 का एक प्रकरण था जिसमें माननीय सांसद जी के और अन्य पांच जो इनके साथ में थे, रविंद्र पंडित जी थे, माननीय विजयपाल तमर जी थे और चंद्रवीर जी भी थे, उनके एक वो बनाया गया था कि आचार संहिता का इन्होंने उल्लंघन किया है, लेकिन आज तक ना तो माननीय सांसद जी को और ना ही बाकी अन्य जो इसमें और बनाए गए हैं कोई अक्यूज, उनको कोई ना तो समन था, ना ही नोटिस था, ना BW ना NBW, और इसकी इस पूरे केस की कोई जानकारी नहीं थी। केवल ये बताया गया था कि इन्होंने झंडा और बैनर लगा रखे हैं, जो माननीय न्यायालय के द्वारा, माननीय सांसद के द्वारा किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया था आचार संहिता का, और माननीय न्यायालय द्वारा भी ये मानते हुए कि कोई वो नहीं है और जमानत दे दी। अच्छा, किन किन शर्तों पर आज जमानत के लिए अवेलेबल ऑफेंस था, जमानत दे दी? ठीक है, ठीक है भैया।